Hello everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing good. So in today's video I'm going to share with you all. So मैं आपके साथ share करूंगी a quick review on the newly launched K Beauty concealer. This is how it looks like. ये है K Beauty का HD liquid concealer and I am in the shade 140Y medium. This is how it looks like. जो उनकी staple packaging है, जिस तरीके से उनका foundation था, same इसकी packaging है. मेरा shade है 140Y medium. ये इसका 2 foot applicator है. Now let's just jump on to the demo part. I am in the shade 140Y medium and ये एक highlighting concealer है मेरे लिए, क्योंकि इसका जो foundation में मेरा shade है वो है 155Y. टैन और ये है 140Y मीडियम. सो Y स्टैंड फॉर येलो. सो इसकी जो अंडरटोन है दैट इज येलो. सो लेट्स जस्ट अप्लाई इट एंड सी कि ये कैसा लगता है. लगाने में तो इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो काफी थिन लग रही है, बहुत ही क्रीमी लग रही है. आई एम गोइंग टू ब्लेंड इट विद द हेल्प ऑफ अ ब्रश और ब्लेंडिंग तो इसकी काफ़ी अच्छे से हो रही है. और आईज के नीचे मैं सबसे लास्ट में ब्लेंड करूँगी बिकॉज आई वॉन्ट कि कंसीलर थोड़ी देर रहे वहाँ पे, जिससे कि मैक्सिमम कवरेज मिले. The concealer has blended really beautifully. काफ़ी अच्छे से ब्लेंड हो गया है कंसीलर, मतलब कोई भी मुझे प्रॉब्लम नहीं हुई और बिल्कुल भी ड्राइंग नहीं है. बहुत ही हाइड्रेटिंग है. जैसे इसका जो फाउंडेशन है उसका फॉर्मूला है विच इज़ वेरी हाइड्रेटिंग, बहुत ही सिमिलर सा फॉर्मूला इसका भी है. काफ़ी हाइड्रेटिंग है ये, बिल्कुल भी ड्राइंग नहीं लग रहा अंडर आइज के लिए के नीचे. एंड यू कैन सी द कवरेज इट हैज़ प्रोवाइडेड विद वन लेयर. काफ़ी अच्छा और ब्राइटनिंग इफेक्ट है. 140Y मीडियम इज अ परफेक्ट ब्राइटनिंग शेड फॉर मी फॉर माई स्किन टोन. सो इफ यू आर क्लोज टू माई स्किन टोन एंड आप कोई ब्राइटनिंग कंसीलर देख रहे हो तो यू कैन डेफिनेटली ट्राई दिस शेड. यू कैन सी इट इज लुकिंग सो गुड. मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है ये. Now let's just pat it with a beauty sponge, जैसे मैं हमेशा करती हूँ. The concealer has blended really beautifully onto my फेस अंडर माई आईज. काफ़ी अच्छा और ब्राइटनिंग इफेक्ट दिया है इसने. डेफिनेटली इट इज़ अ ब्राइटनिंग शेड फॉर मी एंड काफ़ी अच्छी अंडर टोन्स हैं इसकी. बिल्कुल भी जो कंसीलर है वो मुझे कहीं से भी ड्राइंग नहीं लग रहा है. बहुत ही हाइड्रेटिंग है और बहुत ही ग्लोई लग रहा है आईज के नीचे विच इज़ रियली नाइस. एंड आई थिंक दिस इज गोइंग टू बी माई न्यू फेवरेट. आई एम गोइंग टू यूज इट मोर इन माई अपकमिंग वीडियोज, जिससे कि मैं इसके बारे में अपने और थाट्स बना सकूँ. बट इनिशियली इट हैज़ प्रोवाइडेड अ रियली गुड कवरेज. मतलब बहुत ज़्यादा हाई कवरेज भी नहीं है और ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा शेयर कवरेज हो, कि कुछ भी जो भी डार्कनेस है वो ना छुपी हो. वैसे तो मेरी आंखों के नीचे इतने ज़्यादा डार्क सर्कल्स नहीं है, बट स्टिल जो एक ब्राइटनेस फैक्टर होता है वो काफ़ी अच्छे से प्रोवाइड किया है इस कंसीलर ने. एंड आई एम
and I'm really liking it. So मुझे ये जो कंसीलर है ये काफी अच्छा लगा. इसकी जो कवरेज है दैट इज मीडियम, बट आप इसको बिल्ड भी कर सकते हैं विद टू लेयर्स और ये बिल्कुल भी केकी या फिर पैची नहीं लगेगा. ऑल्सो बहुत ही हाइड्रेटिंग फॉर्मूला है इसका. दिस रिटेल्स फॉर 799 rupees, सो विच इज गुड फॉर अ कंसीलर. बाकी और जो लॉरियल वगैरह के कंसीलर्स भी आते हैं दैट इज ऑल्सो इन द सेम प्राइस रेंज, सो इट्स रियली गुड. सो आई हाईली रिकमेंड दिस कंसीलर. के ब्यूटी के प्रोडक्ट्स वैसे भी मुझे काफी अच्छे लगते हैं. अभी मैंने के ब्यूटी का फाउंडेशन एंड ये कंसीलर लगाया हुआ है एंड यू कैन सी हाउ द बेस लुक्स. इट्स लुकिंग रियली ब्यूटिफुल, ग्लोई एंड ड्यूई, एंड दैट इज हाउ आई लाइक माई बेस टू बी ऑलवेज. सो दिस इज अ थम्स अप फ्रॉम माई साइड एंड आई हाईली रिकमेंड दिस. सो दैट इज ऑल फॉर माई रिव्यू ऑन द के ब्यूटी कंसीलर. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग. आई विल सी यू सून इन माई नेक्स्ट वीडियो. टिल देन टेक केयर ऑल एंड बाय.